वेलकम टू एचडी द नॉलेज गुरु। एचडी द नॉलेज गुरु में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको एंड ब्रेक के यूज़ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा और मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यू ड्राइवर्स हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एंड ब्रेक को पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं और इमरजेंसी ब्रेक भी कहते हैं। जब भी आप अपनी कार को पार्क करते हो तो ये हैंड ब्रेक को एंगेज करना न भूलें, ताकि ये ब्रेक आपके कार के जो पिछले दो टायर्स होते हैं इसे होल्ड करके रखती है, ताकि आपकी कार कहीं पे रगड़ न जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसे पार्किंग ब्रेक कहते हैं, क्योंकि ये पार्किंग में यूज़ आती है। दूसरी बात, इमरजेंसी ब्रेक। अगर आप कहीं जा रहे हो, आपकी कार रनिंग है और आपकी नॉर्मल ब्रेक है वो फेल होती है, तो आप इस ब्रेक की मदद से अपनी कार को रोक सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अब सेफ्टी के लिए इसे इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आपको इसका सही यूज़ आना चाहिए इमरजेंसी में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं इमरजेंसी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक और हैंड ब्रेक ऐसे पिछले दो टायर से जुड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपनी कार का इस्तेमाल 10 से 15 सिंह से ज़्यादा नहीं करते तो ये हैंड ब्रेक जाम न हो जाए, इसके आसपास जो डस्ट होती है वो जमा न हो जाए और जाम न हो जाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर 10 से 15 दिन में आप इसे एंगेज डिसएंगेज कीजिए, ताकि ये प्रॉपरली वर्क कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये जाम हो जाती है तो फिर आपको मैकेनिक को बताना पड़ेगा। इसलिए हर 10 से 15 दिन में जाइए और इसे एंगेज कीजिए, डिसएंगेज कीजिए, फिर से एंगेज कीजिए, डिसएंगेज कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं आपको कार में ले चलता हूँ, आपको बताऊँगा कि कैसे इसे एंगेज करना है, डिसएंगेज करना है और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है हैंड ब्रेक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो कभी कभार हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करना भूल जाते हैं और अपनी कार को चलाना शुरू कर देते हैं। ये गलत है, इससे आपकी एवरेज कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्यूल वेस्ट होगा और जो शू है, ब्रेक शू, वो भी डैमेज हो सकते हैं। ये देखिए, ये हैंड ब्रेक है, ये एंगेज पोजिशन में है अभी। इसे ऐसे डिसएंगेज करने के लिए सबसे पहले आपको हैंड ब्रेक को अप करना पड़ेगा स्लाइटली, तभी आप ये जो बटन है इसे प्रेस कर पाएंगे। बाद में इसे रिलीज़ कर दीजिए, ये हो गए रिलीज हैंड ब्रेक। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट इसे प्रेस कीजिए, देन ये हो गई एंगेज। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसे एंगेज करते हो तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ये जो लाइट दिख रही है आपको रेड कलर की, ऐसी लाइट ऑन हो जाती है। ये आपको शो करती है कि आपकी जो पार्किंग ब्रेक है वो एंगेज पोजीशन में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार को शुरू करने से पहले, यानी कि चलाना शुरू करने से पहले देखिए, ये डिसएंगेज। ठीक है फ्रेंड्स, कार को चलाना शुरू करने से पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देख लीजिए कि आपकी ब्रेक, पार्किंग ब्रेक एंगेज है या डिसएंगेज है। कई बार इसे आधी जो होती है इसे रिलीज करते हैं और न्यू ड्राइवर्स होते हैं वो चलाना शुरू कर देते हैं, ये गलत है। आपकी एवरेज कम होगी और जो कार का ब्रेक का जो शू होता है वो भी डैमेज होता है। ठीक है, फ्यूल वेस्ट होता है। तो सबसे पहले इंश्योर हो जाइए कि आपकी पार्किंग ब्रेक वो फुल्ली डिसएंगेज है या नहीं, बाद में ही कार को चलाना शुरू कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कार के हैंड ब्रेक के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5 पॉइंट्स याद रखिए अगर आप न्यू ड्राइवर से तो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो बटन है इसे प्रेस करने के बाद ही इसे अप कीजिए एंड देन रिलीज द बटन। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अगर आपको डिसएंगेज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ब्रेक है इसे अप कीजिए, प्रेस द बटन एंड रिलीज इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैंड ब्रेक के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल HD द नॉलेज गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को
भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलती रहे। अगर कोई पॉइंट है जिसके लिए आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।